नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एलएस केमिकल क्लासेस में। 10th का बायो का पहला चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आए हैं, अमीबा में पोषण। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमीबा में पोषण। जैसा कि हम जानते हैं कि अमीबा प्रोटोजोआ ग्रुप का एक सूक्ष्म जलीय जीव है, जो अपना भोजन छोटे छोटे कणों द्वारा, छोटे छोटे भौतिक पदार्थ के कणों द्वारा प्राप्त करते हैं। आइए, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न शॉर्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं और मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक अमीबा में पोषण। आइए हम देखते हैं अमीबा में पोषण। आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये अमीबा है। ये आपको पता है कि अमीबा को अमर जंतु भी कहते हैं और अमीबा अपने आवश्यकता अनुसार अपनी रचना में परिवर्तन ला सकता है, यानी अपने आकार में बदलाव ला सकता है। ये अमीबा है, देख सकते हैं कि इसका ये जो निकला हुआ है उंगली की समान रचनाएं है। ये हमारे अमीबा में जो ये उंगली की समान रचनाएं आपको दिख रही है। ये कुटपाद कहते हैं इसे, या पदा भी कहते हैं। और ये अमीबा का कॉमन अंग है जिससे अमीबा प्रचलन भी करता है, यानी अमीबा में गति लाने का काम करता है। दूसरा, अमीबा इन्हीं अंगों से भोजन को पकाने का काम करता है। आइए देखते हैं अमीबा पोषण के चरण कैसे पूरे होते हैं। ये देखिए, यहाँ 3 चरणों में दिखाया गया है अमीबा में पोषण, यानी अमीबा में भोजन का पाचन। देखिए, पहला स्टेज है जिसमें अमीबा भोजन के संपर्क में गया। ये दूसरा स्टेज देख सकते हैं कि यहाँ अमीबा भोजन के संपर्क में आया है और जिधर भोजन है उधर का उत्पाद बढ़ा लिया है और बढ़ाकर भोजन को अंदर कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो भोजन यहाँ बाहर था, यहाँ उत्पाद बढ़ाकर अंदर की तरफ गया और वही भोजन एक खाद्य धानी, या जिसे हम रस धानी कहते हैं, इसके अंदर अमीबा के शरीर में बंद हो गया। और यहीं पर अमीबा में जो भोजन की पाचन की प्रक्रिया है वह खाद्य धानी के अंदर या रस धानी के अंदर एंजाइमों द्वारा होता है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यह देखते हैं इसका परिभाषा कैसे हम उसको लिखेंगे। बहुत ही सरल है, सिंपल है। हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जलीय जंतु है। जैसे ही अमीबा भोजन के संपर्क में जाता है, आप देख सकते हैं उधर का उत्पाद बढ़ा लेता है तथा भोजन को अपने अंदर बंद कर लेता है, जिस थैली को खाद्य धानी या रसधानी कहते हैं। और इसी रसधानी में या खाद्य धानी में एंजाइमों द्वारा भोजन का पाचन होता है। यह रहा अमीबा में भोजन का पाचन। एक बार फिर से हम देखेंगे, अमीबा प्रोटोजोआ ग्रुप का एक कोशिकीय जलीय जंतु है। ये जैसे ही भोजन, यहां देख सकते हैं भोजन है, जैसे ही भोजन के संपर्क में आता है उधर का उत्पाद बढ़ाकर भोजन को पकड़ लेता है। ठीक इस प्रकार भोजन एक थैली नुमा रचना खाद्य धानी में बंद हो जाता है और यह भोजन अब अमीबा के शरीर के अंदर है और इस भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के एंजाइमों द्वारा हो जाता है और अपचा भोजन विसरण क्रिया द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। यह रहा एक छोटा सा टॉपिक अमीबा में पाचन। अगले दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।